हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबीज मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्विंस प्रेगनेंसी के 8 मंथ के बारे में, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के बारे में। इस महीने से जो बेबी का वेट होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। आपका 8 मंथ खत्म होते होते बेबी का वेट लगभग 2.5 से 3 किलो के आसपास हो जाता है। किसी किसी महिलाओं का तो 3 से 3.5 किलो तक भी हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन रहती है या कोई और बात रहती है जिस वजह से डॉक्टर उनको बेड रेस्ट बोलते हैं, तो अगर जो महिलाएं ज्यादातर बेड रेस्ट पे ही रहती हैं तो उनके बेबी का वेट बहुत ही तेजी से बढ़ता है, और जो महिलाएं एक्टिव रहती हैं, काम वगैरह करती रहती हैं, तो उनका बेबी का वेट भी बहुत ज्यादा गेन नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली जितना होना चाहिए आराम से हो जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो बेबी का वेट बढ़ता है तो ये आपके खान पान पर भी डिपेंड करता है कि आप अनहेल्दी चीजें ज्यादा लेती हैं या फिर आप हेल्दी चीजें ज्यादा लेती हैं, क्योंकि अनहेल्दी चीजों से आपका वेट गेन होगा, बेबी का वेट नहीं गेन होगा इतना। और अगर आप हेल्दी चीजें लेती हैं तो बेबी का ही वेट गेन होगा। ठीक है, और 8 मंथ लगभग खत्म होते होते बेबी जो है पूरी तरह से बिल्कुल डेवलप हो जाता है, और इस महीने में जो बेबी के एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ जब बेबी बाहर आती है तो उनकी बॉडी पे हल्के हल्के बाल ही रह जाते हैं, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर अपने आप ही झड़ जाते हैं। इस मंथ से बेबी के जो तंत्रिका तंत्र होता है, बेबी का जो ब्रेन डेवलप होता है लगभग, वो भी पूरा हो जाता है। और आपको एक बात और बता दें कि अगर जैसे 7 से 7.5 महीने के बीच में कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी की भी नौबत आ जाती है तो इसमें 7.5 महीने तक बेबी के जो फेफड़े होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो अगर कोई भी प्रीमेच्योर डिलीवरी की नौबत आती है तो डॉक्टर को जो है एक इंजेक्शन का यूज करना पड़ता है, वो स्पेशली फेफड़ों के लिए होता है ताकि जब बेबी बाहर आए तो उसको जो है बचाया जा सके। 8 मंथ कम्प्लीट होते हुए आपको अपना डिलीवरी के लिए बैग बिल्कुल रेडी करके रखना चाहिए, क्योंकि 8 मंथ खत्म होते ही बेबी जो है कभी भी डिलीवर हो सकता है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती है। जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है तो 9 मंथ के स्टार्टिंग के 1 से 2 हफ्ते में ज्यादातर डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि बेबी का वेट भी बिल्कुल ओके हो जाता है, 2.5 से 3 किलो या फिर 2.5 किलो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल वेट होता है जितना कि होना चाहिए बेबी का। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। और 8 मंथ खत्म होते होते आपको बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, कभी भी आपके लेबर पेन आ सकते हैं एंड कभी भी आपको जो हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ सकता है। आप 8 मंथ के खत्म होने से पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको अपनी डिलीवरी कहाँ करवानी है, कौन से डॉक्टर के पास करवानी है, ताकि आपको इमरजेंसी में कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो तो आप आराम से डॉक्टर के पास जा सके। और 8 मंथ के खत्म होते होते लास्ट में जो है बेबी अपनी पोजिशन भी लेने लग जाता है, बेबी जो है नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। तो अगर 8 मंथ के लास्ट में नहीं बेबी नीचे को फिक्स हुआ है तो बेबी जो है 9 मंथ की स्टार्टिंग में नीचे को बिल्कुल फिक्स हो जाता है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में ज्यादातर केसेस जो होते हैं उनमें एक बेबी दूसरे बेबी के अपेक्षा थोड़ा कमजोर ही रहता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आपको बेबी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली कोशिश करें कि जब आपकी बेबी इस दुनिया में आए तो उनका वेट लगभग 2.5 किलो तो आराम से होना ही चाहिए, इससे कम कोशिश करें ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, मतलब 2 किलो से तो ऊपर ही रहे। अगर इस वेट में बच्चे रहते हैं तो उनके लिए कोई भी इमरजेंसी कंडीशन नहीं पैदा होती, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आप उनको बिल्कुल सुरक्षित घर पे ला सकते हैं। और 8 मंथ में जो बेबी की मूवमेंट होती है वो आपको बहुत ही कम फील होगी, लेकिन आपको जब भी फील होगी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से फील होगी, क्योंकि ट्विंस बेबी होते हैं जगह बिल्कुल होती नहीं है। और दूसरी बात, आपका 8 मंथ खत्म होते होते जो एमनियोटिक फ्लूड होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसलिए बेबी को इतना ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है। तो आपको बिल्कुल भी मूवमेंट को लेकर परेशान नहीं होना है। अगर आपको पूरे दिन में एक भी बार मूवमेंट फील नहीं होती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर बच्चा 6 से 7 बार करता है या 8 बार करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपके साथ क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपका भी वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा और इस महीने आपका पेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से आपको उठने बैठने चलने लेटने खाने पीने और हर चीज में दिक्कत होने वाली है। आप कोई भी काम करेंगी आप बिल्कुल भी उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल समस्या, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और इस महीने से आपके जो प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बेबी बम बढ़ता है तो प्राइवेट पार्ट में कुछ ना कुछ नसें जो है वो दबना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये जो पेन होता है वो डिलीवरी के बाद अपने आप ही चला जाता है। तो और आपकी कमर में बहुत ज्यादा पेन रहने वाला, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि जैसे जैसे बेबी वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको दिक्कत होगी।
और इस महीने से आपको जो है झूठे लेबर पेन आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। झूठे लेबर पेन का मतलब होता है एकदम से दर्द आएगा, पेट आपका टाइट जैसा महसूस होगा, उसके बाद में चला जाएगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको इस तरीके का दर्द एक घंटे में चार बार आता है और साथ ही आपका पानी जैसा छूटना स्टार्ट हो गया है या फिर आपका ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये आपके जो है डिलीवरी के साइन होते हैं, तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने से बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से रहने वाली है, आपको कभी बहुत अच्छा फील होगा, कभी आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इस महीने से आपके मन में सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला सवाल होगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि मेरी सी सेक्शन होगी। तो मैं बता दूं, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये चीजें जो होती है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे क्लियर होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए सब कुछ अच्छा था, प्रेगनेंसी भी अच्छी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लास्ट में बेबी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, या फिर आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, या फिर किसी कारण जो है प्लासेंटा बिल्कुल बच्चेदानी के भूपे आ गया है, या फिर बच्चे की जो है डिलीवरी के टाइम पे हार्ट रेट कम होने लगी। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से इमरजेंसी में ही सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आपको सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। आपको इस महीने से जो है ब्रेस्ट से लीकेज वगैरह भी हो सकता है, मतलब चिपचिपा सा पानी जैसा पदार्थ पतला सा आएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, क्योंकि बेबी के लिए जो दूध की नलिकाएं होती हैं वो भी तैयार हो रही होती हैं। इस मंथ से अगर आप ज्यादा कुछ सोचती हैं तो आपको कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट भी हो सकती है, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा बेचैनी भी हो सकती है, इसलिए आपको ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और इस मंथ से आपको गैस, कब्ज, अपच, ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा होने वाली हैं। कभी कभी हो सकता है कि गैस की वजह से आपके पेट में भी बहुत तेजी से दर्द हो, तो आप कोशिश करें कि कोई भी अनहेल्दी चीज ना खाएं, तली चीजें ज्यादा ना खाएं, आप कोशिश करें हेल्दी से हेल्दी चीजें लें, और आप ज्यादा से ज्यादा टहले, थोड़ा एक्टिव रहें, ताकि आप जो भी खाएं वो आराम से पच जाए, और आप इकट्ठा बिल्कुल भी ना खाएं, आप जो है थोड़ा थोड़ा खाएं और कई बार खाएं, आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। और आपको जो है इस महीने से यूरिन की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद यूरिन लगेगी, तो आप यूरिन को जरूर पास करने जाएं, उसको बिल्कुल भी रोक के ना रखें, इससे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, आप यूरिन के चक्कर में पानी पीना बिल्कुल भी ना छोड़ें। जैसे जैसे आपका पेट बढ़ेगा तो आपका जो यूरिन ब्लैडर होता है उसमें बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिस वजह से यूरिन जो होती है वो एक बार में नहीं पास होती है, तो इसलिए हमको बार बार ऐसा फील होता है कि यूरिन आ रही है। और इस महीने से आपको हंसते खांसते छींकते यूरिन बिल्कुल निकल सकती है, तो आप इसमें बिल्कुल भी घबराएं ना, ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, ये जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी तो ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। और एट मंथ के लास्ट में आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो ऊपर की साइड थोड़ा सा खाली होना स्टार्ट कर देगा, ये इसलिए होता है क्योंकि बेबी जो है नीचे को खसकना स्टार्ट कर देता है, तो आपको ऊपर की साइड बहुत ज्यादा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत रही होगी तो वो इस महीने से आपकी जो है काफी हद तक धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस मंथ में आपके पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है, और कुछ लोगों के तो बहुत ज्यादा दाने भी हो जाते हैं, मैं बता दूं मेरे भी हो गए थे, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये अपने आप ही चले जाते हैं। तो आपको जब भी खुजली हो तो आप नाखूनों से बिल्कुल भी ना खुजलाएं, क्योंकि बहुत गंदे दाग पड़ जाते हैं जो बाद में नहीं जाते हैं, तो आप कोशिश करें हल्के हल्के हाथों से खुजलाने की कोशिश करें, या फिर आप कंघा ले लें उससे धीरे धीरे खुजली को करें, ठीक है। आप जो है इस महीने से अपनी पूरी बॉडी पे लोशन वगैरह बिल्कुल लगाती रहें, गरी का तेल लगाती रहें, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें, जितनी आपकी स्किन ड्राई रहेगी उतनी ज्यादा खुजली करेगी, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल समस्या होती है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा खुजली हो सकती है, कभी कभी तो इतनी खुजली होगी कि आपको चैन भी नहीं पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस मंथ में आपके स्ट्रेस मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, पेट में बहुत लंबे और बहुत दूर तक दिखाई देने वाले हैं, टुड़ी से ऊपर तक आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। आपके पैरों में भी आ सकते हैं, आपके पीछे जो रंप होता है उसमें भी आ जाएंगे, आपके ब्रेस्ट में भी आ सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी लेडीज पतली होती उतनी ज्यादा उसकी स्किन खिंचती है, तो उतने ही ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, और जो थोड़ा सही होती है तो उनकी स्किन थोड़ा कम खिंचती है तो उनके थोड़ा कम आते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, ये समय के साथ खुद ही हल्के हो जाते हैं। आप अपने पेट पे लोशन वगैरह गरी का तेल जरूर लगा के रखें, इससे आपको बहुत कम खुजली होगी, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा खींचेगी, और इस महीने से आपको पेट बहुत ज्यादा तना हुआ दिखाई पड़ेगा। सीधी सी बात है, ट्विंस बेबी है तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आपको नसें वगैरह दूर से चमकेंगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस महीने से आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसी आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो दर्द बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि बेबी नीचे आना स्टार्ट करेगा, नीचे को जो है
प्रेशर पड़ेगा तो आपको बिल्कुल दर्द होगा। ये कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो आपको झेलने ही पड़ते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपको कोई भी दर्द बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, जैसे घुटनों में या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में या फिर कमर में बहुत ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है, तब आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तभी आप डॉक्टर से पूछ के पेन किलर ले, अदरवाइज आप बिल्कुल भी पेन किलर का यूज ना करें क्योंकि इसका बच्चे पर बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें। आप घुटनों के दर्द के लिए रात में जब आप सोएं तो आप जो है स्प्रे जरूर लगा लें, कोई दर्द वाली ट्यूब लगा लें, आप अपनी रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द का ट्यूब जरूर यूज करें, इससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्स मिलने वाला है। इस महीने से आपके पैरों में भी बहुत ज्यादा सूजन आ सकती है। जैसा कि मैं बता दी हूँ कि सूजन जरूरी नहीं है हर किसी के आए, मेरे नहीं आई थी तो किसी के आ सकती है किसी के नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 8 मंथ से कोशिश करनी है, बहुत ज्यादा खड़े होकर काम नहीं करना है, आप कोशिश करें थोड़ा बैठ के काम करें और लगातार खड़े होकर ना करें, ज्यादा देर तक कोई काम ना करें, थोड़ा रिलैक्स ले उसके बाद करें। और आप जब भी आराम करने जाएं तो आप अपने पैरों को सीधा करके पैरों के नीचे तकिया जरूर लगाएं, इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस महीने कुछ टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। सबसे पहला, अगर आपने यूरिन टेस्ट नहीं करवाया तो आप एक बार उसको जरूर करवाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, जिस वजह से भी कभी कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। दूसरी बात, आपको अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक करवाना है, मतलब आपके ब्लड की मात्रा कितनी है। जैसे मैं बोलती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम 12 पॉइंट ब्लड जरूर होना चाहिए, तो आप जरूर करवाएं एक बार, आप ये क्लियर करके रखें। अगर आपके ब्लड कम होता है तो क्या होगा कि आप जो है डिलीवरी के टाइम पे पुश नहीं कर पाएंगी और आप जो है दर्द को सहन नहीं कर पाएंगी, आप बहुत जल्दी घबरा जाएंगी, थक जाएंगी, तो इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार रखें। अगर आपको इस महीने डॉक्टर सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट करते हैं तो आप उसको जरूर करवाएं, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि डॉक्टर इसलिए करते हैं ताकि वो ये पता कर सके बच्चे का वेट कितना हो चुका है, बच्चा डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, कोई चीज की कमी तो नहीं हो रही है, इससे आपको क्लियर कर सके कि आपको अभी कितने दिन और रुकना चाहिए, कितना नहीं रुकना चाहिए। ट्वींस प्रेगनेंसी जो होती है वो मिनिमम से मैक्सिमम 8.5 महीने की ही होती है, उसमें कभी भी 9 महीने का टाइम नहीं लगता है, तो आप अपने आप को उसी तरीके से तैयार रखें। दूसरे शब्दों में आपको बता दूं 37 वीक की ही ट्वींस प्रेगनेंसी होती है, बहुत कम ट्वींस प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिनमें डॉक्टर 39 या फिर 38 वीक तक रुकने की परमिशन देते हैं। 37 वीक में बच्चे को आराम से बाहर निकाला जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और अगर आपको डॉक्टर कोई भी बात अल्ट्रासाउंड के बाद सजेस्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल माननी चाहिए। और आप इस महीने से कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा नीचे ना बैठें, आप जहां तक हो सके कुर्सी पे बैठें या फिर बेड पे बैठें या फिर चारपाई पे बैठें, क्योंकि जितना आप नीचे को बैठेंगे आपके प्राइवेट पार्ट में उतना ही ज्यादा पेन होगा, उतनी ज्यादा आपके पैरों में सूजन आएगी। तो आप इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके जरूर पूछ सकती हैं। और आपको इस महीने से नींद की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको लेट डे में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा, तो ये बिल्कुल कॉमन समस्या होती है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी लेटने जाएं तो एक ग्लास गुनगुना दूध जरूर पिएं, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और दूसरी बात, आपको जो है रात पे खट्टी डगारे वगैरह भी आ सकती हैं या फिर गैस बन सकती है, तो इससे बचने के लिए आप एक काम और करें कि आप लगभग 7 से 7:30 बजे तक खाना वगैरह जरूर खा लें, और कोशिश करें कि आप सोने से लगभग 2 घंटे पहले ही खाना खा लें, और आप जब भी लेटने जाएं तो उससे पहले थोड़ी देर जरूर टहलें, उसके बाद ही लेटने जाएं, इससे आपको काफी रेस्पॉन्स मिलेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।